नमस्कार दोस्तों, वेदा कैरियर इंस्टीट्यूट में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो अब हम आगे क्या जो है मैथमेटिक्स का जो क्वेश्चन पेपर है वो अब हम देखते हैं। मुकेश सर के साथ जो है आपका जो अभी तक का सफर था वो अब समाप्त हुआ। अब जो है अगला काम मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन है वो आप मेरे साथ देखेंगे। तो आइए हम प्रश्न में देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न, सब लोग आ गए लाइव, कौन कौन जुड़ गया हमारे साथ में? हाँ, आशुतोष जी, पाटीदार साहब, गोलू जी, पवार साहब, चलिए देखते हैं। जय हिंद बच्चों, जय हिंद। क्वेश्चन देखते हैं अमन यहाँ पर आगे। सबसे पहला प्रश्न देखते हैं अमन। इफ सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20, ठीक है? तो यहां पर हमको दिया हुआ है कि यदि sec 4a और cosec a माइनस 20 बराबर है, जहां 4a एक न्यून कोण है, 4a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। हमको a का मान ज्ञात करना है। हमको, हाँ मुकेश जी, हमको a का मान ज्ञात करना है, ठीक है? तो आप कैसे ज्ञात करेंगे? अगर ये दोनों फंक्शन बराबर है तो ये क्या है, sec 4a। अच्छा, आप सबसे पहले क्या करते हैं, हम आपको तो मालूम है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले कलर सिलेक्ट करते हैं। क्या करेंगे, कलर सिलेक्ट करते हैं। अच्छा, ये कलर सिलेक्ट कर लिया, अब हम क्या करेंगे, अब हम प्रश्न करते हैं। अब एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, sec 4a है, और राइट हैंड साइड में क्या है, sec a माइनस 20, ठीक है? या तो इन दोनों को sec में चेंज कर लेते हैं, या फिर दोनों को किस में चेंज कर लेते हैं, cosec में चेंज कर लेते हैं। तो देखो ये लिखा है कितना, sec 4a, ये कितना लिखा है, sec 4a। अच्छा, अब इसको भी क्या करते हैं अपन, अगर sec में चेंज करते हैं तो 90 माइनस कितना हो जाएगा, a माइनस 20। अब ये दोनों फंक्शन sec में है। अच्छा, अब मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं। हाँ रमेश जी, गेंदालाल जी, जय हिंद, जय हिंद सोलंकी जी, ठीक है? अच्छा, अब यहां पर दोनों तरफ अब sec में आ गया है, तो क्या हम इन दोनों को काट देंगे? अरे इन दोनों को काट देंगे क्या, बोलिए, इन दोनों को काट दिया जाएगा क्या? गोलू जी, पाटीदार जी, इन दोनों को काट देंगे क्या? नहीं, ये दोनों कटते नहीं है, ये दोनों कटते नहीं है, ये दोनों क्या होते हैं, रिजॉल्व होते हैं। क्या होते हैं, रिजॉल्व। इन दोनों को हम काटेंगे नहीं, इन दोनों को हम रिजॉल्व करेंगे। अच्छा, रिजॉल्व करने का मतलब क्या हुआ, इन दोनों को रिजॉल्व करने का मतलब क्या हुआ, इन दोनों को रिजॉल्व करने का मतलब ये हुआ कि हम यहां पर इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू बराबर है तो अंदर के एंगल को भी हम मान लेते हैं कि बराबर है। वैसे ऐसा बेसिकली होता नहीं है, इसमें फॉर्मूला लगता है, इनको कॉस में चेंज करते हैं, फिर कॉस का ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन का फॉर्मूला लगता है, ठीक है? हाँ, कॉस ए इज इक्वल टू कॉस के लिख लेते हैं अगर अपन, तो ए इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस के होता है, ठीक है? तो वो फॉर्मूला लगाया जाता है, लेकिन यहाँ पर हम मान लेते हैं कि दोनों का एंगल बराबर है, इसलिए अपन ये काम कभी भी नहीं करेंगे कि इन दोनों को काटेंगे, इन दोनों के एंगल को हम क्या करेंगे, बराबर, ठीक है? हाँ, तो ये हो गया साहब। अब ये इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5a बराबर कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 110। अब ये 110 हो गया, अब हम a के लिए सॉल्व कर लेंगे, 110 अपॉन कितना हो जाएगा, 5, ठीक है? तो अब इसको हम क्या करेंगे, ये यहां से काट देंगे तो 5, ये यहां से काट देंगे तो 5 2 10, 5 2 10 कितना हो जाएगा, ये b की वैल्यू, जिसकी वैल्यू क्या आ गया, b, एंगल कौन सा आ गया, b, ठीक है? आगे का हम देखें, आगे के क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या आएगा, सबसे पहले हम कलर को हटाते हैं, ठीक है? अब अगला क्वेश्चन हम ये देखते हैं, उस गुणोत्तर श्रेणी के पहले 5 पदों का योग ज्ञात कीजिए, उस गुणोत्तर श्रेणी के पहले 5 पदों का योग। अब गुणोत्तर श्रेणी इसमें दी है क्या, गुणोत्तर श्रेणी, तो गुणोत्तर श्रेणी को हमको कैसे लिखना है, अरे गुणोत्तर श्रेणी को कैसे लिखना है, कैसे लिखते हैं अपन,
अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, अरे कलर चूज करना पड़ेगा। ये कलर अपन ने पसंद कर लिया। अब गुणोत्तर श्रेणी को कैसे लिखेंगे, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, ये ऐसे लिखा जाएगा गुणोत्तर श्रेणी को, ठीक है। अच्छा, आप गुणोत्तर श्रेणी को लिखने के बाद में हम क्या करेंगे, हम इसमें सबसे पहले प्रथम पद लिखते हैं और सार्वानुपात लिखते हैं, ठीक है। सार्वानुपात कैसे लिखेंगे, सार्वानुपात हम कैसे लिखेंगे, इसमें लिखा है उस गुणोत्तर श्रेणी के पहले पांच पदों का योग ज्ञात कीजिए। मतलब अब पहले पांच पदों का योग ज्ञात करना है जिसका पहला पद एक है। अरे मतलब पहला पद क्या है, एक हो गया। और कॉमन रेशो कितना है, मतलब आर कितना है, 2/3 है। तो अब इसके पहले पांच पदों का योग, अच्छा अब हम इसमें योग का सूत्र लगाते हैं, तो योग का सूत्र क्या होगा, अरे a(1-r)(n)/(1-r), अरे यही होता है ना, लगा देते हैं इसमें, तो 1 × 1-2/3 whole power 5/1-2/3, ये क्या लिखा है, ये लिखा है कितना, पांच। कितना लिखा है ये, पांच, ठीक है। अच्छा अब हम इसमें क्या करते हैं, अब हम इसमें फॉर्मूला लगाते हैं। ये तो वैल्यू हमको मालूम थी, ये क्या होगा, 3/5 − 2/5/3/5, और ये कितना हो जाएगा, 1/3, है ना। अब 3/5 कितना हो जाएगा, अरे 3/5 कितना होता है, 243। अरे 3 × 3 × 3 × 3 × 3, तो 3 × 3 = कितना होगा, 9। 3 × 3 = कितना होगा, 9। और ये 3 × 9 = 81 × 3, तो कितना हो जाएगा, 243। अच्छा अब 243 में से हम 32 को माइनस कर देंगे। 32 को क्यों माइनस करेंगे, अरे दोस्तों अपन 32 को क्यों माइनस करेंगे। अच्छा मुकेश जी बराबर दिख नहीं रहा, ठीक है। तो ये देखो ऐसा, मैं थोड़ा सा साइड में हो जाता हूँ। 3/5 होता है कितना, 243, और 2/5 कितना है, 32, तो 3 में से 2 गया कितना आएगा, 1, 4 में से 3 गया कितना आएगा, 1, और ये कितना है यहाँ पर, 2। अच्छा 3/4 कितना आ जाएगा, ये 81, ठीक है। अच्छा बराबर दिख रहा है, अच्छा क्या आ जाएगा इसका सॉल्यूशन, क्या आ जाएगा, 211/81। अब मैं साइड में हूँ, दिख रहा है सब लोगों को, अच्छा सब लोग अच्छा ध्यान से देखो, ठीक है, बराबर समझ में आ रहा है क्या, गुणोत्तर श्रेणी के पहले पांच पदों का योग ज्ञात करना है। तो ये अपन ने पहले पांच पदों का योग ज्ञात कर लिया, ये योग का सूत्र है, एन प्रथम एन पदों के योग का सूत्र क्या है, a × 1 − r/(n)/1 − r, ये मैं थोड़ा सा साइड में हो जाता हूँ क्या, तो आप लोगों को अच्छे से दिखेगा, समझ में आएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, अच्छे से समझ में आया। अगला प्रश्न देखे अपन, तो उसके लिए क्या करते हैं, कलर को हटाते हैं। तो अब अगला प्रश्न देखते हैं, तो इसमें क्या है, उस गुणोत्तर श्रेणी के, अच्छा अगला प्रश्न ये आएगा, सम अप द सीरीज 9 + 99 + 999 अप टू एन टर्म्स ऑफ 9, ठीक है। तो इसको हम करेंगे कैसे, अच्छा ये मैं आपको, इसके लिए मैंने आपको पहले भी, इसके पहले भी एक आपको इसका फॉर्मूला बताया, ठीक है। अच्छा अब मैं आपको एक बार फॉर्मूला और बता देता हूँ, ये 9 लिखा है, 99 लिखा है, 999 लिखा है, तो इसको अपन लिखेंगे कैसे, जब भी लिखेंगे तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कलर पसंद कर लेंगे। अब कलर पसंद करा, अब हम इसको लिखते हैं, तो सबसे पहले मैं एक प्रश्न लिख देता हूँ, कितना है, 9 + 99 + 999 + 4/9, ऐसे करके जो है n/9 आएगा, ठीक है, इतनी बार आएगा n/9 आएगा। अच्छा अभी 9 को हम चेंज कैसे करेंगे, अरे इसको चेंज कैसे करना है, 9 को क्या लिख देंगे अपन, 10 − 1, 99 को क्या लिख देंगे, 100 − 1, 999 को क्या लिख देंगे, 1000 − 1, ऐसे करके हम चलते जाएंगे, तो 10^(n)-1,
ये कितना हो जाएगा 10 प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 10 का क्यूब 10 की पावर n माइनस n। अच्छा अब ये क्या लिखा है, अरे ये क्या लिखा है ध्यान से देखो क्या लिखा है दोस्तों। हाँ पाटीदार साहब क्या करें 9 को कॉमन ले ले। हाँ बिल्कुल अमर जी ब्लैक से सॉल्व कर रहे हैं, अब हम ब्लैक कलर ही लिया है ठीक है। अच्छा 9 कॉमन लेंगे तो फिर आगे गड़बड़ हो जाएगी ठीक है, इसलिए अपन ने 9 कॉमन नहीं लिया पाटीदार साहब, 9 को इसलिए कॉमन नहीं लिया हमने ठीक है। ये ऐसा लिखेंगे, अब ये क्या बन जाएगी जीपी बन जाएगी एक, अरे ये क्या बन जाएगी एक जीपी पाटीदार साहब, अब जीपी बन जाएगी तो अब इसको आराम से सॉल्व कर सकते अगर 9 कॉमन ले लेते, अगर 9 को कॉमन ले लेते तो फिर दिक्कत आ जाती। क्या दिक्कत आ जाती, देखो एक इसमें क्वेश्चन पूछा है इन्होंने पाटीदार साहब ने कि बताया है कि 9 को कॉमन ले लेंगे, अगर 9 को कॉमन ले लेते तो ये सीरीज ऐसी बन जाती 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस 1111। अब हम इसको ठीक से जीपी नहीं बना सकते, क्या नहीं बना सकते इसको जीपी नहीं बना सकते, इसलिए हमने इसमें से 9 कॉमन नहीं लिया, इसको अपन ने ऐसा बनाया है। अगर कोई और नंबर होता इसमें जरा अच्छा ध्यान से देखो, अगर कोई और नंबर होता 9 दिया ये आपके लिए बहुत बढ़िया प्रॉफिटेबल चीज थी, अगर मान लो 9 नहीं लिया होता अगर 7 लिया होता तो ये क्या हो जाता है ऐसा 77777 और 4 बार 7 और ऐसा n बार 7 ऐसा अगर लिया होता तब भी हम इसमें से क्या करते 7 को कॉमन लेते और 9 को मल्टीप्लाई करते। क्या करते हम पाटीदार साहब जरा इसको गहराई से समझना ठीक है, पाटीदार साहब इसको जरा गहराई से समझना, मुकेश जी आशुतोष जी जरा गहराई से समझना, अगर कोई और नंबर भी दिया हो ठीक है, अगर कोई और नंबर भी दिया हो 7 दिया है 6 दिया है 5 दिया है 4 दिया है 3 दिया है 2 दिया है या 1 दिया है तब भी हमको उसको 9 में ही कन्वर्ट करना है। करेंगे कैसे, अरे 7 कॉमन ले लेते तो कितना आ जाता 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस क्वाड्रा 1 प्लस पेंटा 1 ऐसे करके हम 1 लिखते जाते और फिर इसमें ऊपर 9 से और नीचे 9 से मल्टीप्लाई करते। अच्छा अब ऊपर 9 से मल्टीप्लाई करते तो इधर क्या आ जाता, इधर तो 1 आ जाता इधर सब 9 हो जाता, क्या हो जाता सर 9 हो जाता ठीक है। तो अब ये ऐसा 9 हो जाता तब ये हमारे जैसा बन जाता बराबर। अच्छा अब ये ऐसा बन गया तो अब हम उसको 9 को क्या लिखते 10 माइनस 1 100 माइनस 1 1000 माइनस 1 ऐसा हम लिखते ठीक है बराबर। अरे समझ में कंसेप्ट समझ में आया, इसलिए मैं डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं बताया आपको, अपन ने इसलिए इसको पूरा सॉल्व करके बताया। अब कंसेप्ट समझ में आया, अब अपन क्या करते हैं इसको क्या करते हैं हटा देते हैं, इसका कंसेप्ट अपने को अच्छी तरह से क्लियरली समझ में आ गया है, अब जीपी बन गई है ठीक है। अब क्या बन गई जीपी बन गई, जीपी के एन पदों का योग क्या है, फर्स्ट टर्म कितना है 1, ये सेकंड टर्म ये थर्ड टर्म ये एंड टर्म ठीक है। अब ए क्या है 10 ठीक है, और अब यहां पर क्या करेंगे अब अपन, अब ये ऐसा चलता चला जा रहा है ठीक है, तो अब अपने को एन टर्म तक का सम चाहिए, अपने को क्या चाहिए एन टर्म तक का सम, तो अब इसमें क्या करेंगे अपन 10 की पावर एन माइनस 1 अपॉन कितना कर लेते हैं 10 माइनस 1 माइनस एन बराबर। अच्छा आप पूछोगे ऐसा क्यों करा, अरे पूछो तो सही, कोई मेरे से कुछ पूछता ही नहीं है कि ऐसा क्यों करा ठीक है, ताकि अपन ने यहाँ पे जीपी का फॉर्मूला लगा दिया, कैसा क्यों करा किसी ने कुछ पूछा ही नहीं, अरे मेरे से तो किसी ने कुछ पूछा ही नहीं पाटीदार साहब, मेरे से किसी ने कुछ पूछा ही नहीं, आशुतोष जी आपने भी नहीं पूछा, गोलू जी हाँ क्यों करा, क्योंकि हमको सम का फॉर्मूला बताया है, क्या बताया a इंटू 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r, अरे यही फॉर्मूला बताया ना, पर अपन ने यहाँ पर फॉर्मूला उल्टा लगा दिया, यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगा दिया उल्टा, ये वाला फॉर्मूला अपन ऐसा लिखते हैं लेकिन इसको ऐसा भी लिख सकते हैं r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 ऐसा भी लिख सकते हैं। क्यों लिखेंगे ऐसा,
अगर आर वन से छोटा हो, आर वन से छोटा हो तो ये वाला फॉर्मूला लिखते हैं, और अगर आर वन से बड़ा हो तो ये वाला फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है। हाँ वेरी गुड पाटीदार साहब, वेरी गुड। हाँ दरबार जी, अरे आपके दरबार में आ गए हम, बताओ क्या समझना है आपको। अगर r 1 से छोटा हो तो फॉर्मूला ये लगा दे, और r अगर 1 से बड़ा हो तो फॉर्मूला हम ये वाला लगाते हैं, ठीक है। r 1 से बड़ा था तो फॉर्मूला हमने ये वाला लगाया, ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड पटीदार साहब, ठीक है। अब ये मैं यहां से हटा रहा हूं, क्या है कि यहाँ पे क्या बहुत सारा लिख दिया अपन ने, इसलिए इसको हटा रहे। तो अब ये कितना हो जाएगा, 10 × 10⁻¹⁹ अब इसको सॉल्व कर लो यार, आपकी इच्छा हो तो आप क्या कर लो, 9 उधर मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। अब उधर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 × 10⁻¹⁹ कितना हो जाएगा, 9। अब आप चाहो तो इसको कॉमन ले लो और ये अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, 1/9 × 10⁻¹⁹ −9n − 10, ऐसा लिखते हैं, ठीक है। अरे बराबर, ये कौन सा वाला आ गया, बी वाला हमारा आंसर आ गया। अच्छा इसमें किसी को कुछ पूछना है क्या पाटीदार साहब, इसमें कुछ पूछना है क्या दरबार जी, कुछ पूछना है क्या, समझ में आया अच्छे से। गोलू जी आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, आदर जी, आदर जी समझ में आया क्या, बराबर समझ में आया अच्छे से, कोई किसी को दिक्कत तो नहीं है। अब अपन क्या करेंगे, ये जो फॉर्मूला लगाया ये ऐसा उल्टा क्यों लगाया, समझ में आया, क्योंकि r ग्रेटर देन वन था, हाँ ग्रेटर देन वन था, टेन था, इसलिए अपन ने ये फॉर्मूला ऐसा उल्टा लगाया, और फॉर्मूला उल्टा लगाया और उसके बाद में इसको अंदर एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर दिया अच्छे से, ठीक है। हाँ हाँ पाटीदार साहब, कोई दूसरी अगर वैल्यू हो, अभी मैंने लिख के बताया सेवेंथ के लिए, सेवेंथ के लिए बताया था, तो सेवेंथ को कॉमन लेके और फिर 9 मल्टीप्लाई करना है, 9 हमको लेकर ही आना है। हाँ सौरभ तिवारी जी, सौरभ तिवारी जी लास्ट वाला क्या नहीं आया इसमें, लास्ट में मैं आपको एक बार फिर से लिख के बता रहा हूँ, यहाँ पे क्या है जगह नहीं थी इसलिए अपन यहाँ पर लिख रहे थे, मैं इसको यहाँ पर लिख के बताता हूँ, अब ऊपर बता देता हूँ, ये तो प्रश्न था, ठीक है। तो इसको अपन ने मिटा दिया, इसको अपन ने मिटा दिया था, अब इसको सॉल्व करता हूं, तो इसमें अपन क्या करेंगे, इसमें अपन अंदर क्या करेंगे, इसको एलसीएम लेंगे, ये कितना हो जाएगा, 9n⁻¹⁹ और अब 1/9 बाहर ले लिया, इसको अंदर मल्टीप्लाई 10 × (n+1) − 9n, इसको पहले लिखा और ये जो 10 मल्टीप्लाई करा था इसको बाद में लिखा, ठीक है समझ में आया। अच्छा अब ये आया समझ में, इतना समझ में आया तिवारी जी, अरे तिवारी जी समझ में आया क्या। हाँ चलो अब अगला वाला प्रश्न करते, ठीक है। हाँ चलो अब अपन अगला वाला प्रश्न करते हैं, लगभग लगभग सभी लोगों को समझ में आ गया, अब अपन अगला वाला प्रश्न करते हैं, ये वाला। अच्छा अब इसमें क्या है, 70x 280y 1120 RMGP, then the value of x and y is, अच्छा अब इसमें x और y की वैल्यू अपने को निकालना है, तो मैं आपको, हाँ मैं आपको एक चीज समझाता हूं इसमें, कि अगर x की वैल्यू निकालना है, अगर अच्छा प्रश्न करने से पहले सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, अपना एक सबसे जरूरी और विशेष काम करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा अब ये अगर a b और c जीपी में होते हैं, तो मैं आपको एक जीपी की एक सबसे प्यारी सी, क्या सर पुटिंग मेथड से भी हो जाता क्या वो, हाँ हो जाता, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप उसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। मैं तो इसलिए बता रहा हूं कि हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, तो वो लोग डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाते, इसलिए मैं आपको जो है ये जो पूरी मेथड बता रहा हूं, अगर आपको फॉर्मूला पूरा याद है स्टार्टिंग से, तो आपको कोई सी मेथड आप लगा सकते हो, आप उसमें अप्लाई कर सकते हो, कोई सा भी नंबर से लगा के अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अच्छा अब अपन इसमें देखते हैं जीपी के लिए,
इसमें अपन क्या देखते हैं जीपी के लिए, अच्छा जीपी के लिए ये ए बी और सी दिया है हमको, तो जीपी में क्या होता है कि रेशो बराबर होता है, आगे वाले को पीछे वाले से डिवाइड कर लेते हैं ये रेशो और फिर आगे वाले को पीछे वाले से, तो बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए सी। ये क्या है, ये कंडीशन होती है जीपी की, ये क्या होता है कंडीशन होती है, कोई भी तीन नंबर अगर हमको दिए हो तो ये तीन नंबर दिए हैं ठीक है, तो इसको देख लेते हैं एक्स स्क्वायर बराबर 70 × 280 ठीक है। तो अब ये यहां पर से अगर अपन रूट हटाएंगे स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगा देंगे, तो अब रूट के लिए दो जीरो है तो एक जीरो बाहर ले लिया, एक सेवन है तो क्या कर लिया एक सेवन हमने बाहर ले लिया ठीक है। अच्छा अब सेवन बाहर ले लिया और क्या है एक कितना है, फोर जा सेवन फोर जा 28 तो सेवन सेवन एक बाहर ले लिया, फोर में से एक टू बाहर ले लिया, तो अब ये ऐसा हो जाएगा कितना हो जाएगा 2 × 7 × 10 तो 7 × 2 = 14 और 10 कितना आ गया 140 आ गया बराबर, ये x की वैल्यू आ गई। अरे मगर अच्छा ये वाला तो हो ही नहीं सकता, पर यहाँ पर भी 40 है, यहाँ पर भी 140 है, यहाँ पर भी 140 है, अब कौन सा वाला करेंगे, तो y की वैल्यू निकालते हैं, y में फिर यही मेथड लगाएंगे ठीक है। कौन सी मेथड लगा रहे हैं हम, y बराबर अंडर रूट कितना हो जाएगा 280 × 1120। अच्छा 280 है तो ये कितना है 7 × 4 × 10। अच्छा अब ये देखो ये दिया है तो अपन क्या करते हैं, अपन धीरे से ये 10 को तो अलग निकाल लेंगे बाद में ठीक है, अपन क्या करेंगे 10 को अलग बाहर निकालेंगे या अभी चलो लिख देते हैं ठीक है। अच्छा अब इसको लिखते हैं तो 112 को क्या लिखेंगे, 112 इसमें से भी 10 बाहर निकाल लिया तो 112 को क्या लिखेंगे, 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12, 2 × 2 = 4, 2 × 8 = 16, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, 2 × 7 = 14 और ये 7 × 1 = 7, तो यहां पर क्या लिखेंगे अपन 7 × 4 × 4 ये ऐसा हो गया। अच्छा आप देखो बाहर लेने का, ये एक 10 बाहर ले लिया, ये 7 बाहर ले लिया, एक 4 बाहर ले लिया और एक 2 बाहर ले लिया ठीक है, तो कितना हो जाएगा 7 × 2 = 7, 4 × 2 = 8, 7 × 8 = 56 ये कितना हो गया 560 ठीक है। अब इतना कैलकुलेशन तो आपको करना पड़ेगा। अच्छा अश्विन जी वो भी करवा देते हैं, पर अभी जो थोड़ा सा अपन जो है ये पेपर को भी डिस्कस कर ले, फिर मैं आपको मैथ्स का कोई भी टॉपिक एक पूरा करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है ठीक है बराबर। हाँ तो अब ये कितना हो जाएगा 560, या आप इसमें एक तरीका और भी लगा सकते थे ठीक है। ये तो अपन ने क्या करा, उसकी जो कंडीशन आती है इससे ये हो गया ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब एक आप y को निकालने का एक तरीका ऐसा भी निकाल लगा सकते थे, मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, ये यहां तक समझ में आया, ये समझ में आया, अब मैं आपको एक और तरीका बता रहा हूं कि आपको इतना करने से अच्छा, ये तो अपन कब करेंगे जब यार अपने को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि यार इसमें क्या करना है, तब अपन ये लगा देते। लेकिन अब जरा देखो आप कि यहां पर क्या करना है, यहां पर x निकाल लिया अपन ने, 70 था, ये कलर चेंज हो गया अचानक अपने आप ही चेंज हो गया ठीक है, 70 था ठीक है। अब x की वैल्यू निकाल ली आपने 140 से अगला आपको मिल गया 280, मतलब यहां पे प्रोग्राम क्या चल रहा है, अरे प्रोग्राम कैसे चल रहा है, डबल हो रहा है डबल ठीक है, 70 का डबल 140, 140 का डबल 280, अरे तो 280 का डबल क्या होगा, अरे यही होगा ना 560 और ये 1120, ये इसका शॉर्ट ठीक है। वो तो मैंने आपको बताया था, यहां पर मैंने आपको बताया था कि यहां ये क्या है जीपी है, तो जीपी में कॉमन रेशो से मल्टीप्लाई करते ना, मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो 70 का 140, 140 का 280, 280 का 560 ठीक है, 560 का डबल 1120, तो ये इसमें क्या है, अरे हम क्या करते हैं डबल करते जा रहे हैं, तो अपन ने 140 निकाला तो उसका डबल तो 280 था, 280 का डबल कितना हो गया 560, ये क्या थी इसकी, इसका तरीका था, ये शॉर्ट ट्रिक थी। और अच्छा ये शॉर्ट ट्रिक क्या थी, ये क्वेश्चन को देखते ही बन रही थी ठीक है,
और एक मैंने आपको इसके पहले वाला जो एक तरीका बताया वो आपको कब लगाना है, जब अपन मान लो क्वेश्चन को बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे, ठीक है, तो अपन क्या करेंगे वो ट्रिक यूज करेंगे, बराबर। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम अगला तरीका, अच्छा आप ये देखो यहां पर इसमें क्या करेंगे कि इसमें अपन प्रश्न हल करेंगे, इसमें एक शायद ये क्या दिया है फाइंड, अच्छा फाइंड क्या करने के लिए दिया है ये अब देखते हैं अपन, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं ये प्रश्न कौन सा है, इसमें उधर जाके ले लो। हाँ देखो, अब इसमें एक प्रश्न में दिया है कि अपने को फाइंड क्या करना है, ठीक है, फाइंड इसमें क्या करना है अपने को, ये देखा फाइंड कॉट थीटा, ठीक है, फाइंड क्या करना है इसमें, कॉट थीटा फाइंड करना है। यहां पे लिखा नहीं है कि क्या ज्ञात करना है, तो क्या ज्ञात करना है अपने को, सबसे पहले अपन कलर ले लेते हैं, ठीक है, ब्लैक कलर ले लिया आपका फेवरेट। अब यहां पर क्या करना है, कॉट थीटा हमको फाइंड करना है, बराबर। तो अब कॉट थीटा हम फाइंड करते हैं, ये हमारे पास फिगर बना हुआ है, फिगर में क्या दिया है हमको, एडी दिया है कितना, चार, ठीक है, एडी कितना दिया है, चार। अब बीडी, बीडी कितना दिया है, तीन। अच्छा आप क्या दिया है, सीबी दिया है कितना, बारह। अच्छा मैं आपको एक सीक्रेट बात बताऊं, बिल्कुल टॉप सीक्रेट, ठीक है, बिल्कुल एकदम टॉप सीक्रेट है, आप किसी को बताना मत, ठीक है, मैं बिल्कुल धीरे से आपको बता रहा हूं, बिल्कुल धीरे से। क्या अगर ये चार है और ये तीन है तो ये ए बी क्या हो जाएगा, अरे बिल्कुल टॉप सीक्रेट है, ए बी क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, अरे इस टॉप सीक्रेट को कौन ओपन करेगा, जल्दी बताओ। अगर ए सी दिया है फोर और बी सी दिया है, वेरी गुड पाटीदार साहब, वेरी गुड अमर जी, वेरी गुड, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा पांच, क्यों हो जाएगा, इसको क्या बोलते हैं अपन, इसको क्या बोलते हैं, अरे इसको बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, क्या बोलते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। अच्छा एक और पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनेगा, कैसे बनेगा, ये ए बी दिया है पांच, ये बी सी दिया है कितना, बारह, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या बनेगा, हाँ अमर सिंह जी वेरी गुड, अरे तिवारी जी बारह किसको लिख दिया आपने, तिवारी जी बारह नहीं आएगा, एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट, वेरी गुड पाटीदार साहब, अरे वाह यार अमर सिंह जी, ट्रिपलेट क्या बनेगा, पांच बारह और तेरह, ठीक है, कितना बनेगा, पांच बारह और तेरह। अच्छा ये जो टॉप सीक्रेट था ये सबके सामने ओपन हो गया है, ठीक है, ये कुछ अलग अलग टाइप के बहुत सारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होते हैं, इनको हमको याद रखना है, जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हमको हमेशा याद रखना है, ठीक है। अच्छा अब हमको कॉट थीटा निकालना था, कॉट थीटा क्या होता है प्यारे बच्चों, अरे कॉट थीटा क्या होता है, अरे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है ना, अरे क्या होता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ये अपना कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, क्या होता है जल्दी जल्दी बताओ पाटीदार साहब, अरे मेरे को भूल गया, समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, क्या होता है, बी अपॉन पी, हाँ अमर सिंह जी, अरे गोलू जी एक ही बार आया आप, उसके बाद आए नहीं, तिवारी जी क्या होता है कॉट थीटा, क्या होता है कॉट थीटा, अरे यार बाकी सारे लोग भी बताओ यार, ऐसा नहीं कि केवल दो तीन लोग ही कमेंट कर रहे हैं, ठीक है। अमर सिंह जी बी अपॉन एच नहीं होता, ध्यान दो बी अपॉन एच नहीं होता है, अरे अश्विन जी, अश्विन जी बताओ, आप भी बताओ, गोलू जी आप भी बताओ, ठीक है, क्या होता है बी अपॉन पी, क्या होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्या होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस किसको बोलते हैं, अरे बेस किसको बोलते हैं, बेस किसको बोलते हैं, एंगल के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर बोला जाता है, एंगल के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर बोला जाता है, और एंगल के साथ वाली साइड को क्या बोलते हैं अपन, बेस, और ये जो साइड है जो सबसे लंबी दिखती है इसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस, बस कॉट, सॉरी कॉट थीटा, ठीक है, कॉट थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन
परपेंडिकुलर कितना 12/5, कितना हो जाएगा 12/5। क्या पूछा था? कॉट थीटा के बारे में पूछा था। यहां पर मैंने एस लिख दिया था, ये क्या लिखना है, कॉट कॉट थीटा, क्या लिखना है, कॉट थीटा, ठीक है। बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो कितना हो जाएगा 12/5। कौन सी ट्रिक रिपीट करना है तिवारी जी? हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं अमर सिंह जी, कोई बात नहीं, ठीक है। क्या रिपीट करना है गौरव जी, आप बोलो क्या रिपीट करना है जल्दी से, ठीक है। यहाँ पे अपन क्या करेंगे, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स लगाएंगे, क्या लगाएंगे, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, और वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स अपन ने इसमें लगाया, तो ये कितना आया 12/5, ठीक है। अच्छा समझ में आया आपको, दो बार पाइथागोरियन ट्रिपलेट लगाया, एक बार इस ट्राइंगल में, एक बार इस ट्राइंगल में, ठीक है। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं जरा झमाझम तरीके से, ठीक है। ये आया अगला प्रश्न, पांच प्रेक्षणों के माध्य और विचलन क्रमशः 4.80 और 6.16 है। यदि प्रेक्षणों में से 3, 2, 3 और 6 है तो शेष प्रेक्षण क्या है, ठीक है। अच्छा ये प्रश्न आप अच्छी तरीके से पढ़ लो, ये जो प्रश्न आया था, ठीक है, इसको बाद में कैंसिल कर दिया गया था, क्योंकि इसमें जो हम माध्य, माध्य तो निकाल सकते हैं पर विचलन निकालने में हमको परेशानी होती है, ठीक है। अच्छा माध्य निकालने में भी परेशानी होगी, इसलिए जो है ये वाला प्रश्न को कैंसिल कर दिया था। इसमें क्या होता था, अलग अलग उत्तर आ रहे थे, ठीक है, जो मैच नहीं कर रहे थे, बराबर। तो इसको अपन भी हटा देते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, क्या आगे देखते हैं, प्रश्न देखते हैं। गौरव तिवारी जी कौन सा प्रश्न रिपीट करना है आप बता दीजिए, तो हम उसको रिपीट कर देंगे, बराबर। आपकी जो भी मांग है वो पूरी की जाएगी, ठीक है, सारी मांगे पूरी की जाएगी। आप प्रश्न का क्रमांक बता दीजिए, अपन उसको हल कर लेंगे दोबारा, कोई भी दिक्कत आती है, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, अभी तो ठीक है, बाद में भी अगर कोई दिक्कत आती है तो अपन उस प्रश्न को बराबर हल करेंगे, ठीक है। आपको जो है जो भी आपके प्रश्न रहेंगे वो सारे हल कर दिए जाएंगे। अब इसमें अगला प्रश्न पढ़ते हैं हम, यदि समांतर श्रेणी का 22वां पद शून्य है, जरा ध्यान से देखना, ठीक है, यदि, अच्छा श्रेणी कौन सी है, अभी हम गुणोत्तर श्रेणी देख रहे थे, अभी अपन दो तीन बार से गुणोत्तर श्रेणी देख ली, लेकिन अब यहाँ पर क्या है, समांतर श्रेणी, तो समांतर श्रेणी का 22वां पद, समांतर श्रेणी का 22वां पद है तो लिखेंगे किसे उसको, a प्लस कैसे लिखेंगे, अरे 21d = 0, तो a का मान कितना हो गया -21d, तो 18वें पद का 18 गुना चौथे पद का कितने गुना होगा, ठीक है। पाइथागोरस ट्रिक, दरबार साहब पाइथागोरस ट्रिक, वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स थे, वो क्या थे, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स थे, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स अलग अलग होते हैं, ठीक है दरबार साहब, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स अलग अलग होते हैं, 3, 4, 5 हो गया, 5, 12, 13 हो गया, 7, 24, 25 हो गया, ठीक है, 6, 8, 10 हो गया, ऐसे अलग अलग पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है क्या, अरे तो ऐसा तो स्टाइल है छोरे की अश्विन जी, ठीक है, आपने कमेंट करा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। तो अब अपन क्या करते हैं, a का मान है कितना, a = -21d, तो अब इसमें आगे देखते हैं 18वें पद का 18 गुना, ठीक है, तो अब 18 गुना किसका, 18वें पद का, तो a+17d क्या होगा, a+17d, ठीक है, तो a+17d ये क्या लिखा, 18वें पद का 18 गुना चौथे पद का कितने गुना होगा, तो अब कितने गुना होगा ये तो मालूम नहीं, तो अपन क्या लिख देते हैं, के बोले तो कितने, क्या पता कितने होगा, जो भी होगा यहाँ पर आ जाएगा, तो अब इसको लिख दिया के, अब चौथा पद बोले तो a+3d, अच्छा आप a का मान लिख देते हैं, 18 × -21d + 17d = k × -21d + 3d, अच्छा आप देखो 21 में से 17 गया तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, ठीक है, तो इसको कैसा लिखेंगे अपन, 18
हाँ इसको कहां पर लिखे, इधर ऊपर अपन लिख देते हैं, ठीक है अपन ऊपर लिख देते हैं, कितना हो जाएगा 18 इंटू माइनस 4 डी बराबर के इंटू, अच्छा अब 21 में से 3 गया तो कितना बचेगा 18 बचेगा, कितना बचेगा 18, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 18 डी। अच्छा डी से डी को चुपचाप काट दो, 18 से 18 को भी चुपचाप काट दो, माइनस से माइनस को काट दो, तो के का मान कितना आया, अरे प्यारे बच्चों के का मान कितना आया 4, के का मान कितना आया 4। अरे बिल्कुल बिल्कुल आप क्लास के बाद बिल्कुल डाउट पूछ सकते हो, ठीक है ऋतु राजपूत जी, ये आपने 18 लिखा है तो 18 बोले तो 18 में क्या लिखा है, के का मान कितना आ जाएगा 4, के का मान क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है हाँ वेरी गुड अमर सिंह जी वेरी गुड, कितना मान आ जाएगा 4। ऋतु जी 18 तो कट गया, मान कितना आएगा 4, ठीक है अब हम अगला देखते हैं प्रश्न। अच्छा अब अगला देखने के लिए, अगला प्रश्न देखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पर अब इसमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा के ये 18 से 18 को काट दिया, डी से डी को काट दिया, के का मान कितना आ गया 4, ठीक है चलो हाँ अच्छा 21 हाँ वेरी गुड 21 माइनस 3 कितना हो जाएगा 18, ठीक है हाँ चलो अगला देखते हैं अपन। इसमें प्रश्न देखते हैं, सबसे पहले तो कलर को हटाते हैं, अगला प्रश्न आएगा ये क्या दिया है इसमें निम्नलिखित डेटा के लिए समांतर माध्य के संबंध में माध्य विचलन की गणना करें। अच्छा अब इसके लिए अपन क्या करते हैं, इसके लिए बनाते टेबल, इसके लिए क्या बनाना पड़ेगा अपने को टेबल बनाना पड़ेगा। प्रश्न थोड़ा सा लंबा है पर अपन कर लेंगे, एक मिनट एक मिनट, ठीक है हाँ चलो इसके लिए अब अपन सबसे पहले कलर पसंद कर लेते हैं, ये ऐसा कलर पसंद करा, अब ये इधर X लिखते हैं, कलर कौन सा है ब्लैक X, और ये लिखा है X और ये लिखा है F, तो ये कितना हो गया 1, 3, 5, 7 और ये कितना 9, ठीक है अच्छा आप F कितना लिख लेते हैं 5, 8, 9, 2, 1। अच्छा अब अपने को क्या निकालना पड़ेगा XF, किसका सेकंड स्टेप नहीं आया, सेकंड स्टेप किसका नहीं आया तिवारी जी, किसका सेकंड स्टेप नहीं आया बताइए, चलो देखते हैं आप हमसे बाद में पूछ लेना तो अपन सेकंड स्टेप किसका नहीं आया मैं आपको बाद में बता दूंगा, ठीक है हाँ FX निकालेंगे वेरी गुड ऋतु जी, अब FX निकालेंगे। तिवारी जी इस प्रश्न पे आओ आप, अब अपन पिछला वाला जो प्रश्न है वो मैं आपको बाद में रिजॉल्व कर दूंगा, हाँ वेरी गुड मोहित पाटीदार जी वेरी गुड। अब इसका सबसे पहले माध्य निकालना अपने को, तो 5 एकम 5, 8 त्रिक 24, 5 नमा के 45, 7 दुनी 14 और 9 एकम 9, ठीक है अच्छा अब इसका सम निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा 5 और 4 9 और 9 18 और 9 27, कितना 2 और 2 4 और 4 8 और 1 9, ठीक है ये टोटल कितना है ये देख लेते हैं 8 और 5 13, ये ऐसे कर लो ये 10 और ये 10 और ये 5, ये कितना हो गया ये 25 हो गया, ठीक है अच्छा आप ये कितना हो जाएगा x बार बराबर कितना हो जाएगा ये 97/25, ठीक है हाँ मैं पहले वाला आपको बाद में बता दूंगा, हाँ टेबल आएगी इसमें, ठीक है टेबल आपको हल्के हल्की सी टेबल बनानी पड़ेगी इसमें, ठीक है टेबल बनानी पड़ेगी। अब अपन क्या करते हैं, अब अगला क्या करेंगे a माइनस क्या लिखना पड़ेगा अपने को, इसको क्या क्या लिखना पड़ेगा अगला, अब अपन इसमें से क्या करेंगे x माइनस x बार, ठीक है ये निकालना पड़ेगा, सब लोग निकाल लो टेबल बना लो x माइनस x बार निकाल लो, ठीक है हाँ x माइनस x बार निकाल लेंगे क्या हो जाएगा माइनस कर दो आप, अच्छा सबसे पहले 97 अब बाय कितना है 25 है,
आप अगर इसको सॉल्व करोगे 97/25 तो इसको कैसे सॉल्व करना है, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 चौक 28, 9 चौक 36, 37, 38, ठीक है। और इसको 100 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 3.88, ठीक है, ये 3.88 आएगा, ठीक है। अब 3.88 तो क्या आया, माध्य आया, क्या आया, माध्य। अब इसमें से इसको माइनस करना है अपने, ठीक है, हाँ हाँ, ये 3.88 आया। अब अपन माइनस करते चले जाएंगे, अब आप इनको माइनस कर लो, इसको पूरे को यहां पर, जैसे आप करना क्या है, इसको माइनस करके फिर अपन क्या करेंगे इसको, हाँ, अरे रितु जी ये तो मैं सॉल्व करने का एक तरीका था, ठीक है, 4 से इसलिए मल्टीप्लाई करा क्योंकि ये क्या था, ये हल करने का एक छोटा सा तरीका था, ये कितना था 97/25, तो मैंने 97/25 इसको, ये 25 था, इसको 4 से और इसको 4 से इसलिए मल्टीप्लाई करा, नीचे क्या बन जाएगा, 100 बन जाएगा और ऊपर कितना आ गया, 388। आप भी ऐसी छोटी छोटी सी तरीके अगर यूज करते जाएंगे, ठीक है, तो यूज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ये 2 जीरो हटाई पॉइंट लगा देंगे तो ये इन दोनों का क्या आया, डिविजन आया, ठीक है। आपको ऐसे छोटी छोटी सी चीजों को यूज करना है, बराबर। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसमें हमको f मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है किससे, समेशन ऑफ f से, बराबर, ठीक है। ये अपने को इतना काम करना पड़ेगा, ठीक है, बराबर, हाँ। ये वाला, ये जो है इसमें अपने को माइनस करना है। अच्छा, अब ये माइनस करके लिखना है। अच्छा, इसमें ऐसा कोई बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं है, ठीक है, इसमें ऐसा कोई बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं है। ये जो सांख्यिकी के जो प्रश्न रहते हैं, ये इसमें अपने को इतना करना ही पड़ता है। माध्य निकालना है, अब माध्य निकालना है तो माध्य के लिए ये थोड़ा सा यूज करना है, ठीक है, हाँ। इसको जो है यहाँ पर अपन सॉल्व करते जाएंगे और सॉल्व करने के बाद में इसको मल्टीप्लाई करके इसको ऐसा डिवाइड करना है, ठीक है, तो डिवाइड करेंगे तो अपना पूरा आंसर आ जाएगा। इसमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ये सारे जो है क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं। अरे ये 4 इसलिए आया, ये 4 यहाँ पर मैं हल कर रहा हूं मेरे तरीके से, ठीक है, मतलब इसको अपन 97/25 था तो 25 को 100 बनाने के लिए अपन ने 4 से मल्टीप्लाई किया। तो आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करके, इसको माइनस करके f से मल्टीप्लाई करना है और फिर समेशन ऑफ f से इसको डिवाइड करना है, ठीक है। अच्छा, पूरा करेंगे तो इसमें अपने को ये लगभग मेरे हिसाब से 1.49 या 1.72 जैसा आंसर आएगा, बराबर। इसमें अपने को बहुत सारे कैलकुलेशन करना पड़ता है, तो इसमें आप टाइम मैनेजमेंट क्वेश्चन है सर जी, हाँ ये तो टाइम मैनेजमेंट तो है, आपको कैलकुलेशन अच्छा आना चाहिए। जैसे आप यहीं पे उलझ गए कि सर 4 कैसे मल्टीप्लाई करा, 4 क्यों मल्टीप्लाई करा, तो हमको ये सारी चीजें देखना है, ऐसे हमको क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब चलो, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको आप मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना, ठीक है, अपन क्वेश्चन देखते हैं आगे। इसमें क्या है, अब एक इनफाइनाइट जीपी आ गई, तो इनफाइनाइट जीपी आ गई, तो इनफाइनाइट जीपी को क्या करेंगे अपन, इनफाइनाइट जीपी है तो इनफाइनाइट जीपी में से इसको अपन थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ये बहुत बड़ा हो गया एकदम से, ठीक है, ये छोटा इसको अपन करते हैं ये ऐसे, एक मिनट, छोटा कैसे होगा, ये बड़ा हो गया वो एकदम से, ठीक है, तो छोटा ये काम क्यों नहीं कर रहा है, तो ये जो है एक मिनट, इसको हमको वापस जाना पड़ेगा, थोड़ा सा एक मिनट, हम थोड़ा सा पीछे आ गए हैं, तो इसको हमको आगे बढ़ाना है, हाँ ये फिर वही बढ़ा रहा है, चलो
देखते हैं इसको अपन छोटा करके, ठीक है ये, हाँ अभी हो गया छोटा, ठीक है। तो अब देखो ये कितना होगा, इसको अपन आगे बढ़ाते हैं। द सम ऑफ एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीपी इज 30, मतलब एक इनफाइनाइट जीपी है। तो अब सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले कलर पसंद कर लेते हैं, वो थोड़ा सा चेंज हो गया था उसमें, ठीक है। अब इसको अपन थोड़ा सा इसे देख लेते हैं, चलो इसी में ही देख लेते हैं अपन, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीपी इज 13, मतलब एक इनफाइनाइट जीपी है। तो इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला क्या होगा, ए अपॉन वन माइनस आर, कितना हो जाएगा ए अपॉन वन माइनस आर, इसकी वैल्यू देख के रखिए कितनी 13। एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर, अच्छा आप अगर स्क्वायर करेंगे तो जीपी कैसी बनेगी, ऐसी बनेगी ए स्क्वायर आर स्क्वायर ए स्क्वायर आर की पावर 4, ये ऐसी जीपी आएगी। तो अब इसका अगर अब ये भी इनफाइनाइट जीपी होगी, ठीक है, ये भी कैसी होगी इनफाइनाइट जीपी होगी। अच्छा अब ये इनफाइनाइट जीपी होगी तो इसका सम किसे निकालेंगे, इनफाइनाइट टर्म का, फर्स्ट टर्म अपॉन वन माइनस आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमको देख के रखी है कितनी 507, ठीक है। अच्छा हमको क्या करना है, सार्वानुपात ज्ञात करना है, तो हम करते क्या है, हम इसका भी स्क्वायर कर देते हैं। ध्यान से देखना, हमने इसका भी स्क्वायर कर दिया, इसका भी स्क्वायर कर दिया और दोनों को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अच्छा आप दोनों को डिवाइड कर दिया तो ये ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया। अच्छा अब ये भी कट जाएगा, ये कैसे कटेगा, देखो मैं काट के लिख रहा हूं, मैं डायरेक्ट काट के लिख रहा हूं, कितना आएगा वन माइनस आर, सॉरी वन प्लस आर अपॉन वन माइनस आर बराबर कितना हो जाएगा 169 अपॉन 507, कितना हो जाएगा 169 अपॉन कितना हो जाएगा 507 बराबर, ठीक है। तो अब हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा कि r की वैल्यू कितनी है, तो अपन इसको क्या करते हैं 507 प्लस 507r बराबर 169 माइनस 169r, ठीक है। अच्छा अब इसको इधर लेकर आते हैं तो 507 और 169 को हम क्या कर देंगे, इसको इधर लाएंगे तो प्लस करेंगे तो 9 और 7 16, 6 और 1 7, ये कितना हो जाएगा 676, और इसको अपन उधर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा 676r बराबर। अब 169 ये 507 से 169 माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4, ये 9, ये 17, मैं एक एक स्टेप छोटी छोटी सी लिख रहा हूं, मैंने उस समय r मल्टीप्लाई कर दिया था तो थोड़ा कंफ्यूजन ज्यादा हो गया था, ठीक है। तो अब ये 17 में से 9 जाएंगे तो 8 बचेगा, 9 में से 6 जाएंगे तो 3 बचेगा और ये कितना हो जाएगा 138, कितना हो जाएगा माइनस 138। अब r की वैल्यू निकालना है माइनस 138 अपॉन 676 में से, ठीक है। तो यहां पर अब देखते हैं अपन ये कितना हो जाएगा, सॉल्व करते हैं इसको तो सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 138 और अपॉन 676, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे तो 3 times 4 times आ जाएगा, ठीक है। एक मिनट, अपन ने इसमें कुछ बहुत सारा लिख दिया, ठीक है। अपन पहले इसको यहां से हटाते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, हाँ ये अब सही आया, अब प्रोग्राम सही चला, अब अपन क्या है तरीके से लिख देंगे, ठीक है। हाँ यहां पर चलो, ठीक है। एक सम ऑफ एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीपी इज 13, तो ये ऐसा लिखा है ए अपॉन वन माइनस आर इज इक्वल टू 13। एक गुणोत्तर श्रेणी के अनंत संख्याओं का योग 13 है, उनके वर्गों का योग, अच्छा वर्गों के लिए ऐसा लिखते ए स्क्वायर आर स्क्वायर ए स्क्वायर आर की पावर 4, ठीक है, ये ऐसा लिखा था, ठीक है। अच्छा अब ये फर्स्ट टर्म तो इसकी ए स्क्वायर है, कॉमन रेशो क्या है, वो है आर स्क्वायर, तो इसके लिए ऐसा लिखते हैं ए स्क्वायर वन माइनस आर स्क्वायर, और ये वर्गों का योग, ठीक है, ये वर्ग है उनके। अब ये सीरीज ऐसी थी, पहले जो सीरीज थी वो ऐसी थी ए ए आर
ए आर स्क्वायर ए सी थी, इसका वर्ग करा तो ये आया, उसका योग है कितना 507 बराबर। अब उसको और इसको अपने को क्या करना है, ए स्क्वायर को हटाना है, तो हटाएंगे कैसे, इसका स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169, ये और ये काट दिया। अच्छा अब ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, और ये नीचे आ जाएगा 1 माइनस आर और 1 प्लस आर, ठीक है। अच्छा अब ये ऊपर है 507 और 169 बराबर। अच्छा अगर ये इधर कट सकता है, ठीक है, तो अपन क्या कर देंगे, इसको काट देंगे, कितना आएगा 39 और कितना आ जाएगा, हाँ 13 से कट तो जाएगा ये, ठीक है 507 जो है ये 13 से 39, ठीक है, तो ये कितना बचा, ठीक है बराबर। और 39 जा कितना होता है, 9 3 27, 9 1 9 10 11, अरे होता है, तो ये ऐसा कट जाएगा, ठीक है, तो 13 से ये 13 और 13 से ये 39, फिर 39 ये कट गया, ठीक है। अच्छा अब देखो, अब इसमें से भी कट गया ये और ये कट गया, कितना बचा 1 माइनस आर अपॉन 1 प्लस आर बराबर 3, इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन, कितना 1 माइनस आर बराबर 3 प्लस 3 आर, ये आर को उधर ले जाएंगे और 3 को इधर ले आएंगे, तो माइनस 2 बराबर 4 आर, ठीक है, माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा 4 आर हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आर बराबर कितना हो जाएगा माइनस 1 बाय 2, ठीक है बराबर, समझ में आया। अब यहां पर अपन प्रश्न को हल करते हैं, तो सुन लो प्रश्न देख लो, ये आर बराबर कितना हो गया माइनस 1 बाय 2, ठीक है। अब अच्छा अगला प्रश्न देखते हैं अपन, हाँ ठीक है अश्विन जी, ठीक है, हाँ अब अगला प्रश्न देखते हैं अपन, अगला हाँ इंसर्ट 6 अरिथमेटिक मीन बिटवीन 3 and 24, 3 से 24 के बीच में हमको 6 अरिथमेटिक मीन लगाने, मतलब समानांतर माध्य लगाने, ठीक है, तो अब कितने कितने समांतर माध्य लगाने हैं, 6, तो हम इसमें जगह लिख लेते हैं। अच्छा जगह लिखने से पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हाँ कलर चूज कर लेंगे 3। अच्छा अब आपके लिए मैं एक और जो है अच्छी है खुशखबरी बताता हूं, कल से जो है 4 5 6 और ये 24 बराबर, कल से जो है 8:30 बजे से एमपी सर की क्लास रहेगी और वो कंटिन्यू रहेगी, ठीक है, मतलब ये जो है आपको आपके लिए पढ़ने का एक बहुत अच्छा मौका है बराबर, कल से जो है 8:30 बजे से वो आपके साथ लाइव रहेंगे, आपको बराबर जो है पढ़ने के लिए बहुत अच्छा एक सिलेबस मिलने वाला है बराबर, तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छी चीज है। अच्छा आप 3 से 24 के बीच में 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 समानांतर माध्य लगाने हैं। अच्छा 6 समानांतर माध्य लगाने हैं तो कुल कितने पद होंगे, कुल कितने पद होंगे, ये पद कितने हो गए 8, प्रथम पद कितना हो गया 3 और आठवां पद कितना हो गया 24, इधर 3 लिख देंगे तो ये कितना, ए का मान 3 है तो ये कितना हो जाएगा 21 और डी बराबर कितना हो गया 3, 3 प्लस करते जाओ 3 3 6 6 3 9 9 3 12 3 15 3 18 3 21 और उसके बाद क्या जाएगा 24 बराबर। वेरी गुड रितु जी, बहुत बढ़िया, ठीक है, कल से आप भी लाइव आइएगा 8:30 बजे से सर की क्लास है, ठीक है, आपको आना है बराबर। हाँ अगला देखते हैं अपन, अगला प्रश्न, सबसे पहले कलर हटाते हैं, कल से आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ। अरे ये क्वेश्चन आया बहुत प्यारा, ए बी सी आर द एक्स वाई एंड जेड टर्म ऑफ ए जीपी, देन इवैल्यूएट वाई माइनस जेड लॉग ए प्लस जेड माइनस एक्स लॉग बी प्लस एक्स माइनस वाई लॉग सी, ठीक है, हाँ तो अब क्या करेंगे। अच्छा मैं आपको सबसे पहले थोड़ा सा एक हल्का सा भाई लॉग है, इसमें लॉग आ रहा है, ठीक है, इसमें हमने लॉग देखा,
तो मैं चाहता हूं कि पहले मैं दो तीन फॉर्मूले आपको लॉक के बता दूं, ज्यादा परेशान नहीं करूंगा आपको, ठीक है? आप लोगों को मैं ज्यादा परेशान नहीं करूंगा। यहां पर आप जो है दो तीन फॉर्मूले देख लो, जैसे लॉग एम प्लस लॉग एन, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, एम इंटू एन, और लॉग एम माइनस लॉग एन क्या हो जाएगा, लॉग एम अपॉन एन, ठीक है? या फिर अगर log m की पावर n है तो क्या हो जाएगा, ये ऐसा है तो क्या हो जाएगा, log n, बराबर। वेरी गुड वेरी गुड रितु जी, वेरी गुड, धड़ाधड़ आंसर दे रही है रितु जी। तो क्या मेरे को लग रहा है इस बार तो टॉप यही करेंगी बिल्कुल, ठीक है? हाँ, अरे वाह यार, वाह यार, अमर सिंह जी log लगाओ जरा, log mn के साथ में log आएगा। वेरी गुड मोहित पाटीदार जी, लेकिन पाटीदार जी एक चीज ध्यान रखना अपने को, इस वाले प्रश्न में एम में मॉड लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है? मॉड लगाना अपने को बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो ये सब तो हो गया, अब इस प्रश्न में मॉड नहीं भी लगाएंगे, जरूरी तो है मॉड लगाना, जरूरी तो है, ये तो मैं भी मान रहा हूं, लेकिन इस प्रश्न में अभी अपन मॉड का यूज नहीं करेंगे। ये प्रश्न बिल्कुल सावधानी से बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है, ठीक है? चलो सबसे पहले इसको हटा देते हैं अपन, इस जगह की तो वैसे ही कमी है अपने पास, ठीक है? हाँ हाँ, मैं बता क्या रहा था कि ए ये एक्स एक्स वा पद, ए क्या है, एक्स वा पद है, तो ए को क्या लिखेंगे अपन, अरे ए को क्या लिखेंगे, ए इंटू आर की पावर कितना हो जाएगा, एक्स माइनस वन। बी को क्या लिखेंगे, ए इंटू आर की पावर वाई माइनस वन। अरे सी को क्या लिखेंगे, ए इंटू आर की पावर जेड माइनस वन। ये तो समझ में आया, पर अगर लगा दिया लॉग, क्या लगा दिया, अरे लॉग क्या लगा दिया, लॉग लगा दिया, तो लॉग लगा दिया तो ये कितना हो जाएगा, log a बराबर कितना हो जाएगा, ये जरा ध्यान से देखना, x माइनस वन, और ये कितना हो जाएगा, log a, और प्लस में कितना हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, अपन ने थोड़ा सा हल्का सा गलत कर दिया है इसको, ऐसा लिखेंगे इसको, जब log लिखेंगे तो log a प्लस x माइनस वन लॉग आर, बराबर, ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। अच्छा ये भी कैसे लिखा है, ये भी मैं आपको लिख के बता रहा हूं, ठीक है? ये भी कैसे लिखा है ये मैं आपको फिर से लिख के बता रहा हूं। अच्छा दो तीन स्टेप में लिख के बता रहा हूं, थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, हम यहां पर केवल पेपर सॉल्व करने नहीं आए, थोड़ा सा हल्का सा कंसेप्ट भी अपना क्लियर हो जाए, ठीक है? बराबर। अच्छा अब ये कितना हो गया, ए, ये ऐसा हो गया। अच्छा अब लॉग, अभी अपन ने देखा था लॉग एम प्लस लॉग एन क्या होता है, लॉग एम एन होता है, ठीक है? तो उसको उल्टा लगा देते हैं, यहां पर लगा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, लॉग ए प्लस लॉग आर की पावर एक्स माइनस वन। तो ये कितना हो जाएगा, लॉग ए प्लस एक्स माइनस वन लॉग आर, ठीक है? ये हो जाएगा, अरे कोई दिक्कत तो नहीं है, अरे बोलो यार, आप लोग तो बोलते नहीं, शर्माते हो, ठीक है? तो ऐसे शर्माने का नहीं बिल्कुल, अरे वेरी गुड पाटीदार साहब, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली, ठीक है? अच्छा आप ऐसा, ये ऐसा करेंगे, अच्छा आप ये ऐसा किस किस के साथ करेंगे, ए के साथ करेंगे, बी के साथ करेंगे, सी के साथ। ए के साथ आया एक्स माइनस वन, बी के साथ क्या आएगा वाई माइनस वन, और सी के साथ कितना आ जाएगा, अरे बोलिए। अच्छा ऐसा, अरे पाटीदार साहब थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ठीक है? अच्छा बी के साथ आ जाएगा y माइनस वन, सी के साथ आ जाएगा z माइनस वन। चलो अच्छा अब इसमें अपन क्या करते हैं, ये आपने लिख के देख लिया, अब अपन इसमें लगाते हैं, क्योंकि अभी अपने पास क्या है, हाँ अरे समझ गया आप लोग, जगह की कमी है, ठीक है? चलो अच्छा अब लिखते हैं, इधर लिखते हैं, ये कितना हो जाएगा वाई माइनस जेड, लॉग ए को क्या लिखेंगे, इधर इधर क्या लिखेंगे, log a प्लस कितना हो जाएगा x माइनस वन log r, ये हो जाएगा प्लस। अब ये z माइनस x तो क्या लिखेंगे, अरे हाँ बिल्कुल वही लिखेंगे जो आपके मन में है, कितना
y माइनस वन log r, ठीक है। और अब अगला क्या होगा, x माइनस y, ऐसा लिखा है कैपिटल में लिखा है, ठीक है कैपिटल में लिखा है तो कैपिटल वाला लिखना, ये तो पता चला उधर कैपिटल लिख दो और इधर स्मॉल लिख दो, बाद में जाके कंफ्यूज, अरे बोले ये तो कट ही नहीं रहा है। z माइनस वन log r, ठीक है चलो। अच्छा आप क्या करते हैं, अब जरा ध्यान से देखना, log a log a log a, तो log a कॉमन ले लेते हैं, क्या कर रहे हैं कॉमन, कॉमन क्या आएगा y माइनस z प्लस z माइनस x प्लस x माइनस y, और ये इससे ये इससे ये इससे कट गया, ये जीरो आ गया, ठीक है। अब log r कॉमन ले लेते हैं। अच्छा अब log r जो कॉमन लिया ना, ठीक है log r जो कॉमन लिया ना, बहुत जहरीला काम है इसमें, बहुत जहर है, हाँ अरे इसके अंदर बहुत जहर है, आप देखोगे तो घबरा जाओगे। क्या करना पड़ेगा आपको, y माइनस जेड को x माइनस वन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स वाई माइनस एक्स जेड माइनस वाई प्लस जेड, ठीक है बराबर। अब प्लस, अब ये आएगा इधर, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा, इधर लिख रहा हूं मैं y z माइनस एक्स वाई माइनस जेड प्लस एक्स, अब इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन, तो एक्स जेड माइनस वाई जेड माइनस एक्स प्लस, ये कितना हो जाएगा y। अब क्या क्या कट रहा है, प्लस y से माइनस y कट गया, माइनस एक्स से प्लस एक्स कट गया, माइनस जेड से प्लस जेड कट गया, अब एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, वाई जेड से वाई जेड कट गया, और एक्स जेड से एक्स जेड कर दिया, ये भी पूरा कितना हो गया जीरो। अरे यार पाटीदार साहब आप क्वेश्चन देख के ही घबरा गए, हाँ अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं, ये आपको एक एक स्टेप सॉल्व करनी है, ठीक है। सबसे पहली स्टेप ये लिखी, फिर दूसरी ये सबसे पहली स्टेप ये लिखी, दूसरी स्टेप ये लिखी, जरा क्वेश्चन को मालूम, क्वेश्चन को बिल्कुल अंदर से फील करना है, एकदम बिल्कुल डायरेक्टली फ्रॉम हार्ट भी नहीं, डायरेक्टली फ्रॉम स्टमक, स्टमक से फील करना अपने को, ठीक है हाँ बिल्कुल अंदर से फील करोगे ना यार, ये सारे क्वेश्चन अरे सरल सरल लगेंगे, घबराने का नहीं बिल्कुल, हाँ पाटीदार साहब अरे यार इतने से प्रश्न में घबरा जाओगे तो फिर अभी तो अपने को बहुत जो है काम करना है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे तो बहुत जहरीली लड़ाई है, ठीक है हाँ, तो ऐसे घबराना नहीं, ये सब जीरो हो गया, उत्तर क्या आएगा जीरो आएगा, और क्या आएगा, अरे आप लोग तो यार शेर हो यार, फिर ऐसा करोगे तो कैसे काम चलेगा। चलो अगला करते हैं। अच्छा बताओ अब ये तीन दोस्त आ गए घूमते फिरते है, अरे वेरी गुड अमर सिंह जी, वेरी गुड, हाँ वेरी गुड रितु जी, हाँ अरे ये बात पाटीदार साहब, अब आया मजा, प्रैक्टिस तो करनी भाई, मैथमेटिक्स में अगर अपन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर जो है फिर खेल खत्म हो गया। अरे बहुत सारे लोग तो याद करते हैं, समझ में नहीं आता वो याद क्या करते हैं, वो प्रश्न रट लेते हैं, अरे ऐसे की ऐसी प्रश्न नहीं आएंगे, कंसेप्ट आएंगे, कंसेप्ट को समझना है हमको, कंसेप्ट को समझना है। अच्छा आप देखो ये तीन दोस्तों की कहानी देखो, तीन दोस्त गए घूमते घूमते, ठीक है, तो अब तीन दोस्तों ने कुल 105 रुपए खर्च करे, कितने खर्च करे 105 रुपए। अच्छा अब इसका एक समीकरण बना लेते हैं अपन धीरे से प्यारा सा, ठीक है हाँ, समीकरण क्या बनाते हैं, इधर देखो अपन समीकरण क्या बनाते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, कितना खर्च हुआ 105, अरे पहले वाले ने ए खर्च करा, दूसरे वाले ने बी खर्च करा, तीसरे वाले ने सी खर्च करा, बिल्कुल कृष्णकांत जी बिल्कुल बिल्कुल। अब ये खर्च करा, उनके द्वारा खर्च की गई राशि एक गुणोत्तर श्रेणी में थी, ठीक है गुणोत्तर श्रेणी निर्मित करती है, तो अब अपन इसको क्या करते हैं, गुणोत्तर श्रेणी में लिख देते हैं भैया, क्या लिखेंगे, ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर बराबर 105, ठीक है बराबर, ये गुणोत्तर श्रेणी बन गई। यदि प्रथम दो
द्वारा खर्च की गई राशि को 4 से गुणा किया जाता है और तीसरे द्वारा खर्च की गई राशि को 3 से गुणा कर दिया जाता है, तो कौन सबसे अधिक और कितना अधिक खर्च करेगा? देखो हो गया ना दोस्ती में दरार आ गई ना, ठीक है, कौन ज्यादा खर्च कर रहा है कौन कम खर्च कर रहा है, ये गणित जो है ये दोस्ती में दरार डाल रहा है दोस्तों। हाँ जरा ध्यान से देखना, जरा यहाँ पे जो दो लोग है उनके जो उनकी जो राशि है उसको 4 से गुणा करना अपने को, तो ये कितना हो जाएगा 4a और 4ar, और तीसरे वाले को किससे गुणा करा 3 से, देख लिया आप लोगों ने। हाँ ये ऐसा ही होता है इसमें। तो अब ये जो तीनों राशि बन गई ये किसमें हो गई, ये क्या हो जाएगा किसमें, समानांतर श्रेणी में, ये जो गुणोत्तर श्रेणी थी राशि गुणोत्तर श्रेणी निर्मित करती है और समानांतर श्रेणी में परिवर्तित हो जाती है यदि, तो अब ये समानांतर श्रेणी में परिवर्तित हो गई मतलब इसका डबल इन दोनों के बराबर होगा, मतलब 8ar बराबर क्या हो जाएगा 4a प्लस 3ar स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहां पर अपन क्या करेंगे, यहां से अपन a काट देते हैं, ये a काट दिया, इसको उधर ले जाएंगे तो 3r स्क्वायर माइनस 8r प्लस 4, ये ऐसा हो गया। तो अब अपन क्या करेंगे इसको हल कर देते हैं, कैसे हल करेंगे, 3r स्क्वायर माइनस 6r माइनस 2r प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो अब यहां पर ये कैसे हल होगा, इसको अपन कैसे हल करेंगे आगे देख लेते हैं, इसको अपन आगे कैसे हल करेंगे, यहां पर इस समीकरण को हल करना है तो 3r कॉमन ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा r माइनस 2, माइनस 2 कॉमन ले लेते तो कितना हो जाएगा r माइनस 2, r का मान एक तो 2 आ गया और r का मान 2/3 आ गया, ठीक है। अच्छा अब ये अलग अलग मान आ गए आपके, अब r के मान आ गए तो अब अपन क्या करेंगे r के मान यहां पर पुट कर देते हैं, कितना हो जाएगा, अपन क्या करते हैं ये 2/3 नहीं पुट करते, अपन सबसे पहले ये वाला पुट कर देते हैं, ये सबसे सही लग रहा है, ठीक है। तो r का मान 2 पुट करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 4 और 2 6 और 1 7 कितना हो जाएगा 7a बराबर 105, तो ये कितना हो जाएगा 7 × 7 = 33। अब ये हो गया, अब देख लेते हैं अपन किसने कितना खर्च करा, ए ने कितना खर्च करा, कितना खर्च करा 15 रुपए, ठीक है। अब बी क्या है ए इंटू आर मतलब 15 × 30, और सी ने कितना खर्च करा ए आर स्क्वायर मतलब 15 × 60, ठीक है बराबर। तो किसने सबसे ज्यादा खर्च करा, अरे सबसे ज्यादा तीसरे वाले ने खर्च करा, और कितना खर्च करा 60 रुपए खर्च करा, ठीक है। हाँ पाटीदार साहब, हाँ भूपेंद्र यादव जी, जय हिंद जय हिंद। पाटीदार साहब मिडिल स्प्लिटिंग मेथड से करेंगे, ठीक है, हल्का हल्का सा इसमें लगाना पड़ता है यार, थोड़ा थोड़ा सा तो हमको हल करना ही पड़ता है, ठीक है बराबर। चलो अब इसको अपन आगे बढ़ते हैं, कलर हटा दिया, अब अपन आगे बढ़ते हैं। अरे देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है, cos 52 + cos 68 + cos 172। अच्छा अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले cos 172 को चेंज कर लो, कैसे चेंज करेंगे, cos 180 माइनस थीटा क्या होता है जल्दी बताओ, जल्दी बताओ रितु जी, अरे रितु जी, अमर सिंह जी, पाटीदार साहब, कृष्णकांत जी, बताओ cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, अरे cos 180 माइनस थीटा क्या होता है बताओ जल्दी से, कोई तो बताओ, अमर सिंह जी बताओ, कोई बोलो जल्दी से, बोलो जल्दी बताओ cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, अरे केवल cos लिखा आपने, क्या होता है, अरे बताओ जल्दी 180 माइनस थीटा क्या होता है, cos 180 माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा, क्या होता है माइनस cos थीटा। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं भी आता है ना तो ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है। हाँ ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ठीक है। अच्छा अब इन दोनों में अमन फॉर्मूला लगा देते हैं, cos c + cos d का फॉर्मूला लगा देते हैं, ठीक है। अपन उसको जो है इसको थोड़ी देर बाद हल कर लेंगे, cos c + cos d का क्या फॉर्मूला होता है 2 cos c + d/2 × cos c − d/2, क्या होता है फॉर्मूला, देखो कलर ले लिया अपन ने, हाँ अब देखो ये क्या होता है 2 cos c + d मतलब 52 + 68, 8 और 2 10, 6 और 6 12,
बाय टू इंटू कॉस सी माइनस डी। अरे 68 में से 52 गए तो 8 में से 2 गया, 6 में से 5 गया 1, ये कितना हो जाएगा 8, और ये कितना हो जाएगा माइनस कॉस 8, क्योंकि इसमें फॉर्मूला क्या लगाएंगे कॉस 180 माइनस थीटा। ठीक है, हाँ ठीक है। अब ये क्या हो गया 2 cos 60 1 by 2 cos 8 minus cos 8, 2 से ये 2 कट गए, cos 8 से cos 8 कट गया, ये कितना बचा 0। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया 0। बराबर समझ में आया? हाँ, तो पाटीदार साहब मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। हाँ वेरी गुड अमर सिंह जी, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलने वाला। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये था sec square theta minus cot square theta, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक एक के बराबर नहीं है? तो देख लेते हैं अपन कौन एक के बराबर नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा दोस्तों, कलर पसंद करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बढ़िया बढ़िया अमर सिंह जी, वेरी गुड पाटीदार साहब, बहुत बढ़िया फॉर्मूला लगाया। ठीक है, अच्छा अब ये पहले में क्या है sec स्क्वायर थीटा माइनस, ये कितना हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, और ये कितना होता है 1, ये क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे 1 आएगा, ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे 1 आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो जाता है 2, ये क्या होगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये 1, और ये क्या हो जाएगा, अरे इसको हल करेंगे तो हल कैसे करेंगे, sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन, और यहां पर आगे क्या लगेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अरे ये और ये कट गया, ये बचा और साथ में क्या बचा साइन थीटा कॉस थीटा। अच्छा अब ये तो हो गया वन, ये तो हो गया वन माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये और ये तो कट जाएगा, कितना आया वन, तो ये बना रहा ये बना रहा ये बना रहा, लेकिन ये वन नहीं आ रहा। ठीक है बराबर, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगला देखते हैं, यदि किसी समांतर श्रेणी के पीवे और क्यूवे पद का अनुपात, ठीक है, 1/2q-1 और कितना है, सबसे पहले समांतर श्रेणी के पीवे और क्यूवे पद का अनुपात लिखते हैं अपन। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखेंगे अपन, जरा ध्यान से देखना ए, अरे एक मिनट हाँ क्या लिखेंगे सबसे पहले, तो इधर आ जाते हैं अपन, ये आ गए। ठीक है, अब यहां पर क्या करेंगे पीवे और क्यूवे पद का अनुपात लिखना है, तो पीवे और क्यूवे पद का अनुपात ए A प्लस कितना हो जाएगा P माइनस 1 इंटू डी अपॉन A प्लस Q माइनस 1 इंटू डी, ये कितना है, अरे अच्छा अनुपात कितना है 1/2Q, ठीक है, माइनस 1 अपॉन कितना लिखा है 2P माइनस 1, ये भी 1 के अपॉन में, मतलब उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2P माइनस 1 अपॉन 2Q माइनस 1। ठीक है, इतना समझ में आया। अच्छा अब हमको आगे क्या करना है, अब हमको दिया है कि सम का अनुपात क्या होगा, तो समांतर श्रेणी के प्रथम पीवे और क्यूवे पदों के योग का अनुपात क्या है। ठीक है, तो योग का अनुपात निकालना है, तो अब अपन क्या करते हैं यहां पर पी बाय टू टू ए प्लस कितना हो जाएगा यहां पर P माइनस 1 इंटू डी और अपॉन में कितना हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा Q माइनस 1 Q बाय 2 टू ए प्लस Q माइनस 1 इंटू डी। ठीक है बराबर, तो अब पीवे पद का और क्यूवे पद का हमको अनुपात, सम का अनुपात चाहिए। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, ये इधर तो ये ऐसा ही लिखा है P और Q लिखा है, अच्छा अब इसको हमको चेंज करना है, तो इसको अपन चेंज कैसे करेंगे, 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो A प्लस ये कितना हो जाएगा P माइनस 1 अपॉन 2 इंटू डी।
ये ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यू ए प्लस ए प्लस क्यू माइनस वन अपॉन टू इंटू डी। ठीक है, अच्छा अब ये क्या हो गया, यहां पर अपने को पीवा पद बनाना है, इसको क्या बनाना है पीवा पद, और इसको क्या बनाना है अपने को क्यूवा पद। तो अपन पीवा पद और क्यूवा पद कैसे बनाएंगे, पी माइनस वन बाय टू, ठीक है, इसको अपने को पीवा पद बनाना है, क्या बनाना है पीवा पद। तो अब अपन बना देते हैं, ये कितना लिखा है यहां पर, ये ऐसा पीवा पद, इधर कितना आना चाहिए पी माइनस वन आना चाहिए, तो पी माइनस वन बराबर कितना हो जाएगा टू पी माइनस टू, कितना आ जाएगा टू पी माइनस टू, ठीक है टू पी माइनस टू। अच्छा अब यहां पर दिक्कत क्या है मालूम, इधर p देके रखा है, इधर छोटा p देके रखा है, इधर q देके रखा है, इधर छोटा q देके रखा है। अच्छा अब इसको अगर इधर लेके आएंगे तो p बराबर ये कितना हो जाएगा 2p माइनस 1, ये ऐसा हो गया बराबर। हाँ तो अब ये 2p माइनस 1 की वैल्यू कितनी हो गई, p हो गई, ठीक है कितनी हो गई p, और ये इसी के लिए लिखा था, ठीक है। अच्छा 2q माइनस 1 ऐसे ही क्या हो जाएगी, इसकी q की वैल्यू क्या हो जाएगी 2q माइनस 1, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी q, तो p इंटू पी और q इंटू क्यू कितना हो जाएगा p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर, इधर लिखा है ये इधर लिखा है, ठीक है बराबर। हाँ चलो वेरी गुड वेरी गुड, आंसर ऐसे ही निकालते रहो और आगे बढ़ते रहो, ठीक है। अच्छा ये यार जगह ही नहीं है इसमें, अपन कैसे करेंगे, उसमें भी जगह नहीं थी, चलो कोई बात नहीं। द अपर पार्ट ऑफ द ट्री, हवा से टूटे एक पेड़ के ऊपरी हिस्सा जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। तो अपन यहां पर एक पेड़ उगाते हैं, ठीक है, ये एक पेड़ था, सबसे पहले कलर पसंद कर लेते हैं, ठीक है, ये कलर पसंद करा, ये एक पेड़ बनाते हैं, ये इसको बीच में से मैंने इधर ही काट दिया, ठीक है बराबर। तो ये पेड़ को मैंने यहीं पर काट दिया। अच्छा आप काट दिया तो इसमें क्या है कि ये जो कोण है ये कितना है 30 डिग्री का है, ठीक है, और जड़ से उस बिंदु तक की दूरी जहां पर पेड़ का शीर्ष जमीन को छूता है कितनी है 15 मीटर है, ठीक है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, अरे अभी बता देते हैं, ये हिस्सा और ये हिस्सा निकालना है अपने को, तो पहले इसको निकाल लेते हैं, इसको x ले लेते हैं, इसको y ले लेते हैं, ठीक है। तो अब कितना हो जाएगा x अपॉन 15 परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना होता है 10/30, कितना हो जाएगा 10/30 मतलब 1/√3, मतलब x बराबर कितना हो जाएगा 15/√3। अच्छा अब ये y निकालना है तो ये कितना हो जाएगा y/15, अभी क्या था परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10/30, हाँ वेरी गुड परपेंडिकुलर, वेरी गुड पाटीदार साहब, वेरी गुड परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये यहाँ पर अपने को x का मान निकल गया। अब ये क्या था हाइपोटेनियस अपॉन बेस, ये क्या होता है sec 30। अच्छा आप sec 30 को क्या लिखते हैं 2/√3, ठीक है। तो y का मान कितना आ गया 15 उधर जाएगा तो 30/√3। अब दोनों को जोड़ दो तो कितना आ जाएगा जरा देखना, जरा 15 + 30/√3 तो ये कितना 45/√3। अच्छा 45/√3 को क्या लिखते मालूम 15√3, कितना लिखते 15√3 तो ये कितना आ गया 15√3 बराबर, ठीक है। अच्छा अब आपको एक चीज बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है, कल से जो है 8:30 बजे एमपी सर की क्लास रहेगी, ठीक है, आप सबको आना है बराबर, ठीक है। हाँ प्रश्न देखते हैं अपन अगला, ये देखो मीडियन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हुज मीन 30 and mod 32, अरे इसका कौन फॉर्मूला बताएगा, जल्दी से फॉर्मूला बताओ मीन मीडियन और मोड का फॉर्मूला, रिलेशन क्या है तीनों के बीच में रिलेशन क्या होगा, तो रिलेशन क्या होता है मॉड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन,
ठीक है। हाँ तो अगला ये देख लेते हैं। अच्छा अब इसको अपन क्या कर लेंगे, यहां पर आप वैल्यू लिख लो और अपने को क्या निकालना है, मध्य का निकालनी है। तो ये 32 3 into, ठीक है, ये मीडियन है, -2 into 30, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर लेना अच्छे से, क्या आता है इसको अपन देखेंगे, कितना आता है 62 32 प्लस 60 कितना हो जाएगा 92/3, ये क्या आ जाएगा, मीडियन आ जाएगा, ठीक है। चलो अब अगला देखते हैं अपन। एक ये क्वेश्चन है, नंबर ऑफ लाइक्स फॉर अ वीडियो इन डिफरेंट गेटेड कम्युनिटीज आर इन एपी 5 9 13, मतलब 4 4 से बढ़ रहा है, ठीक है। विभिन्न दलित समुदायों में एक वीडियो के लिए पसंद की लाइक के समांतर श्रेणी उल्लेखित है कि अंत से 90, अरे अंत से 90 देख लेते, ठीक है। तो नवापद क्या होगा, अरे डी कितना है, 4 का है, तो आखिरी से देखेंगे तो डी कितना हो जाएगा, डी कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 8 into 4, तो 185 माइनस कितना हो जाएगा 32, 5 में से 2 गया 3, 5 और ये 1, तो ये तो कितना हो गया 153। अरे समझ में आया, हाँ ठीक है, वो तो आप डिवाइड कर लोगे यार, इतना तो मेरे को मालूम है कि आप डिवाइड कर सकते हो बड़े आराम से, ठीक है। एक ये प्रश्न है, इसमें अपने को मानक विचलन निकालना है, तो मानक विचलन निकालने के लिए मैंने आपको बताया था फॉर्मूला अंडर रूट में फॉर्मूला बताया था, ठीक है। क्या लगाना है, अंडर रूट में समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन, ठीक है, फॉर्मूला लगाओ और सॉल्व कर लो जल्दी से, ठीक है। यहाँ पर भी गुणोत्तर श्रेणी है, प्रथम पद कितना है, समय की भारी कमी है, ठीक है, हमको जल्दी जल्दी करना है। अब हम जो है बाकी के जो सम है ये अपन अगली क्लास में देखते हैं, ठीक है। जब तक के लिए नमस्कार, ध्यान रखना आप लोग, कल जो है 8:30 बजे MP सर की क्लास होगी, ठीक है, आप सबको आना है, बराबर।